भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित और आज हम लोग गेम के बारे में कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। जनरली अपने को कैटेगरी के बारे में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। हमारे ट्रेनिंग्स के दौरान भी बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं जो हम कैटेगरी मुझे मिलता नहीं, तो आज हम कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कैटेगरी क्या चीज है, पहले सबसे पहले जो कैटेगरी है वो क्या है, हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे। कैटेगरी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे कैटेगरी, और यदि मेरे पास कैटेगरी नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट का कैटेगरी नहीं है, तो उसके लिए हम कैटेगरी के लिए क्या कर सकते हैं, ये सभी पॉइंट पे आज हमारा डिस्कशन होगा यहाँ पे। तो सबसे पहली बात है कि कैटेगरी, तो मैं क्लास चालू करने से पहले बोलना चाहता हूँ कि यदि आपको हमारे पास जेम के पूरे ट्रेनिंग्स के कोर्सेज भी अवेलेबल है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसके पूरे सिलेबस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हम पर्सनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, एज ए बायर को भी, डिपार्टमेंट को, और एज ए सेलर यदि आप कोई कंपनी है और उनको पर्सनल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि हमको कैटेगरी फाइंड आउट करना है तो कैसे हम कैटेगरी को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला कैटेगरी है क्या। कैटेगरी जैसे कि हम लोग अमेजन वगैरह वेबसाइट से फेमिलियर है, अपने को अमेजन की वेबसाइट खोला, यहाँ पे आपको देखो जो दिख रहा है ये कैटेगरीज है, ऑल कैटेगरीज। अभी आपको बेबीज के प्रोडक्ट चाहिए तो आपको बेबीज में क्लिक कर देंगे तो आपको बेबीज के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ये बेबी का प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग कैटेगरी बोलते हैं। कोई भी यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ये कैटेगरीज है, बेबी केयर, फीडिंग, ये सब जो है बेबी के अंदर के कैटेगरीज, बेबी मेन कैटेगरी है, उसके अंदर ये सभी कैटेगरी यहाँ पे बने हुए, तो ऐसे ही यहाँ पे कैटेगरीज है। तो जेम के पोर्टल में भी आपको ऐसे कैटेगरी मिलेंगे, आप कैटेगरी को अलग अलग तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सबसे इजी वे है कि हम कैटेगरी को फाइंड आउट कैसे करें, तो मुझे कोई भी कैटेगरी चाहिए, जैसे कि मुझे कैटेगरी चाहिए मान लीजिए एलईडी लाइट, तो मैं एलईडी लाइट डाल देता हूँ और यहाँ पे इसको सर्च कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एलईडी लाइट का कैटेगरी एक मिल जाएगा। तो मुझे पहला लेफ्ट साइड में मुझे ये सजेस्ट करता है जो एलईडी लाइट के रिगार्डिंग कैटेगरी क्या क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एलईडी फ्लोट लाइट है, एलईडी स्ट्रीट लाइट है, तो आपको इसमें से आपका कैटेगरी फाइंड आउट आप कर सकते हैं। दूसरा है कि आपके बेस्ट मैच के अकॉर्डिंगली आपको कैटेगरी में आपको दे दिया जाता है, तो आप पिक्चर वगैरह से आप देख सकते हैं जो आपकी कैटेगरी के रिलेवेंट कोई प्रोडक्ट है क्या। जैसे मुझे लगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है ये बेस्ट है, या ऐसा ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट है जो मेरे कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये जो बोल्ड कलर में आएगा ये दिख रहा है, तो ये मेरा कैटेगरीज है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अभी मेरे रिलेवेंट जो मेरे कैटेगरी है वही प्रोडक्ट के अपने को उस कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट है वो दिखना यहाँ पे चालू हो जाएगा। अभी मेरा प्रोडक्ट इस कैटेगरी से मैच करता है कैसे पता चलेगा, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पे जो भी मेरे प्रोडक्ट है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस स्पेसिफिकेशन से मैच होनी चाहिए, तो मेरा कैटेगरी मुझे पता चलेगा। ये एक तरीका है कैटेगरी फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा ब्राउज ऑल कैटेगरीज, यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे कि मुझे एलईडी लाइट का चाहिए था एलईडी लाइट, और यहाँ पे आप सर्च कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे एलईडी लाइट के रिगार्डिंग कैटेगरीज मिल जाएंगे जो एलईडी लाइट के रिगार्डिंग है। यदि आपको सिर्फ लाइट चाहिए, लाइट का कैटेगरी देखना है, तो आप सिर्फ लाइट डाल सकते हैं, तो लाइट के रिगार्डिंग जो भी कैटेगरीज है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, जहाँ पे भी कैटेगरीज के नाम में लाइट लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे आ जाए। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे आ रहे हैं क्योंकि लाइट के रिगार्डिंग बहुत सारे कैटेगरीज हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे यदि स्ट्रीट लाइट चाहिए तो स्ट्रीट बोल के डाल देंगे, स्ट्रीट बोल के जो भी आपके पास कैटेगरीज है वो आपने को मिल जाएगा, जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट। अभी एलईडी स्ट्रीट लाइट है और मुझे इसका देखना है जो मेरा इस प्रोडक्ट में मेरा कैटेगरी सेट बैठता है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर भी इसके स्पेसिफिकेशन पे पता कर सकता हूँ। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर भी मुझे मेरा स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा, इस प्रोडक्ट के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहता है, एलईडी की चिप
कलर टेम्परेचर्स क्या रहते हैं, इसमें अकॉर्डिंगली मेरा प्रोडक्ट बैठता है कि नहीं, तो ये हो गया। और यहाँ पे और एक फैसिलिटी मिलती है कि ये कैटेगरी, ये जो प्रोडक्ट का कैटेगरी है इसमें ब्रांड कौन कौन सा अवेलेबल है वो भी मुझे याद रखना है। तो व्यू ऑल ब्रांड, यहां से मैं अपना ब्रांड भी फाइंड आउट कर सकता हूँ तो इस प्रोडक्ट कैटेगरी में कौन कौन से ब्रांड है। ये एबीसीडी से अरेंजमेंट है, तो आप यहाँ से एक नंबर, टू नंबर, थ्री, फोर, सीरियल वाइज सीरियल आप अपना ब्रांड देख सकते हो जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल है। तो आपको ऐसे दो तरीके से कैटेगरी फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा है कि लॉग इन करके भी आप कैटेगरी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पासवर्ड हमारा एक्सपायर हो चुका है, तो लॉगिन करके आप भी कैटेगरी पता कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन कर लिया है और मुझे कैटेगरी फाइंड करना है, तो भी मैं मार्केट में जाऊंगा और यहां से भी मैं कैटेगरी का सजेस्ट मुझे यहीं पर डायरेक्ट मुझे मिल जाएगा मार्केट। और मैं यहाँ पे मार्केट में गया और मैं यहाँ से भी अपने कैटेगरी को फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे एलईडी, जैसे मैं एलईडी डाला, एलईडी लाइट के रिगार्डिंग आपके को सब कैटेगरी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, सभी नहीं पर अप्रोक्सिमेटली कैटेगरी डिस्प्ले हो जाता है। तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे विदाउट लॉग। यहाँ पे जो सजेशन था वो आपको यहीं पर मिल जाता है, ये आफ्टर लॉगिन मिलेगा। विदाउट लॉगिन सिर्फ आपको डालना है और फिर लेफ्ट साइड में आपको कैटेगरी ऐसा डिस्प्ले होगा, और आप यदि यहाँ से चूज कर लेते हैं तो आपको आपकी कैटेगरी जो भी लगती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मुझे एलईडी स्ट्रीट लाइट देखना है या एलईडी गार्डन लाइट, तो मैं एलईडी गार्डन लाइट पे डाल दूंगा तो एलईडी का गार्डन लाइट मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पर भी स्पेसिफिकेशन है, आप यहाँ पे स्पेसिफिकेशन से देख सकते हैं जो आपका प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स है कि अपने पास यदि कोई कैटेगरी नहीं है तो हम उसको क्या कर सकते हैं। यदि कैटेगरी नहीं है तो आपको क्या करना है, कैटलॉग में जाना है, प्रोडक्ट में जाना है, एड न्यू ऑफरिंग में जाना है। यदि कोई कैटेगरी मार्केट में आपको लग रहा है नहीं मिल रहा है और वो मार्केट में नहीं है तो आप उनको जेम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको डालना है कांट फाइंड ए सुटेबल कैटेगरी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दो है चीजें, एक है कि आप रिक्वेस्ट को अपग्रेड कर सकते हो, जो रिक्वेस्ट है उसको अपग्रेड करवा सकते हो, मतलब कोई एलईडी स्ट्रीट लाइट है उसमें मेरी जो बल्ब की वोल्ट है वो 65 वाट का है पर यहाँ पे 65 वाट का कोई भी नहीं है तो मुझे उसको कैटेगरी को अपग्रेड रिक्वेस्ट करना है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और यदि कोई कैटेगरी ही नहीं है तो नया कैटेगरी के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, दोनों यहाँ पे। तो यदि फर्स्ट वाला है यहाँ पे आपको कैटेगरी डालना है, ये आपका प्रॉपर खुला नहीं, फिर से खोलते हैं, आप ये प्रॉपर खुला, रिक्वेस्ट पर अपग्रेड, यदि अपग्रेड करवाना चाहते हो प्रोडक्ट या सर्विसेज दोनों में आप यहां से करा सकते हो, प्रोडक्ट का भी और सर्विसेज का। प्रोडक्ट और फिर यहां पे डिस्क्रिप्शन डाल के जो भी आपको कैटेगरी का रिक्वेस्ट है वो आप करवा सकते हैं। यहां पे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, ये एक प्रोसेस है। और यदि आपको नया चाहिए, जो बिल्कुल मुझे नया कैटेगरी बनवाना है, तो रिक्वेस्ट फॉर न्यू कैटेगरी, यहाँ पे आपको जाना है और न्यू कैटेगरी क्रिएशन, यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम, जो भी आप कैटेगरी का नाम डालना चाहते हैं, जैसे मुझे एबीसी में डाल देता हूँ, और यहाँ पे आपको एक्सेल का फाइल मिलेगा, ये एक्सेल का फाइल आपको पूरा प्रॉपर वे से भर के देना है, जिसमें तीन सेलर, तीन बायर, तीन अलग अलग ब्रांड, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे भर के अपलोड करना है, तीन ओएम को और तीन बायर को, उसके ऑर्डर कॉपी वगैरह यहाँ पे डालना है। और साथ में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एलईडी स्ट्रीट लाइट में क्या क्या रहता है, मान लीजिए सबसे पहले वाट रहता है, तो वाट कितने कितने वाट का आपको मिलता है,
ये मिलता है मुझे 60 वाट का, 30 वाट का, 45 वाट का, तो आप उनको इसमें जितने भी वाट के बल्ब रहते हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल्स में डाल देना। ऐसे हर एक जो भी इसमें रहते हैं स्पेसिफिकेशन वो सब आपको डालना है, और उसमें क्या क्या रहता है ये आपको डिटेल्स यहाँ पे डाल के ये फाइल को सेव करके यही वाला फाइल यहाँ पे आपको अपलोड कर देना। ये आप अपलोड करने के बाद ये रिक्वेस्ट आपको यहाँ दिखेगा, व्यू माई रिक्वेस्ट, और यहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। जेम को ये प्रॉपर लगा कि हाँ ये रिक्वेस्ट है, और ऐसे मल्टीपल रिक्वेस्ट जब आएंगे तो आप जेम पे आपका एक कैटेगरी क्रिएट हो सकता है, और यही रिक्वेस्ट आप बायर के आईडी से भी डाल सकते हैं। बायर के आईडी से डालने का प्रोसेस में बायर के क्लास में अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बायर के आईडी से मैं आपको करने के लिए बता दूंगा। तो बायर और सेलर यदि दोनों डालते हैं तो ये कैटेगरी बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन था। यदि आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो इसको और भी हम डिटेल्स में समझाते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।